हाँ तो भैया सभी जनों हर हर महादेव। तो भैया मैंने आज सोची कि भोजपुर चलो जाऊँ, आज सोमवार को दिन है और हम निकल गए भोजपुर का। आज अपनी बाईपास वाली रास्ता है और तुम तो बरसात के मौसम को व्यू देख लो कितना बिकट लग रहा हो जहाँ को। और हम ऐसे ही घूमत घामत जाते ही रहे थे, इतने में हमें रास्ता बंद मिल जाता है। ऐसे यहाँ ही थी बहुत बिकट नदी, हमारी गाड़ी निकल वो मुश्किल हो गया था। तो भैया फिर हम लौट कर वापस गए और हमने जहाँ से गाड़ी मुरकाई और हम निकल गए दूर वाली रास्ता से भोजपुर का। ऐसे भोजपुर तो जानो थी चाहे कछु हो जाए। और तुम कमेंट में जब बताओ तुम कितनी दान भोजपुर घूम भी आ गए। और हमने जब रास्ता पार के सबसे महंगी चीजें दांतों के नीचे दबा ली और फिर हम ऐसे ही घूमत घामत जब मोहल्ला में से निकल कर और भोजपुर का जो निकल गए और हमें मिल गई जहाँ से VIP रोड, जहाँ से रपेड़ दो 400 की स्पीड में शाही वाहन है और जहाँ मोर का जो मिल गो जंगल जहाँ थोड़ी देर पहले ही पानी गिरो था और जहाँ को नजारो देख लो कितना बिकट लग रहा है। और हम ऐसे व्यू देखत दाखत भोजपुर पहुंचे बारे हो गए। और मैंने भोजपुर मंदिर की सुनी है का पांडवों ने बनाओ तो बाहे मनो उनने भी आधो अधूरो छोड़ दो और जो मंदिर एक ही रात में पूरा बन तो तेक मार जो इतना ही बन के रहेगा। और हमने ले लो जहाँ से प्रसाद और हम निकल गए भैया मंदिर के जोर है। और आज बहुत ही बिकट भीड़ लगी जब मंदिर में कहा से आज सावन सोमवार को दिन है वो तेक मार है। और हम खड़े होकर जहाँ सुताल लगा था तनक नजारे देख लगा थे। और हम जब आई रास्ता से मंदिर के जोर चले जाते और आज का पता कैसी किस्मत है थी तो हमें आरती मिल गई जब मंदिर की। और आरती होवे के बाद हम चले गए नीचे प्रसाद मरसाद चढ़ावे और भोलेनाथ के पांव लागवे और परकम्मा लगावे। तुम तो भोलेनाथ की शिवलिंग देख लो कितनी बड़ी हैगी। और मैंने पांव लाग के भैया मैं बाहर निकलया और भैया फिर हम निकलने लगे घर काजे। कहा पानी का मौसम बहुत बिकट हो रहा है। तो भैया मिलते अगली ब्लॉक में, जब तक काजे हर हर महादेव।